Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodovi School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 130 of IE Erodovi. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड. यदि मान लेते हैं कि फोर्स का वैल्यू हाइट के साथ चेंज करता है तो फिर आप पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, इस पर बेस्ड ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. देखिए अ बॉडी ऑफ मास m इज हॉल्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स f वेरिंग विथ अ हाइट ऑफ एसेंट. y का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू हाइट के साथ बदल रहा है, ठीक है. और वो जो बदल रहा है उस फोर्स का जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, देखिए फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है 2mg into ay minus 1. ये फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना. अब यहाँ पर देखिए वेयर ए इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स एंड द इंक्रीमेंट ऑफ बॉडीज पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ ओवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द एसेंट, ठीक है. मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट तय करेगा, मान लेते हैं कोई एक्स हाइट मैक्सिमम हाइट तय करता है तो एक्स बाई टू पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और एक्स बाई टू तक इस अप्लाइड फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में. फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है 2mg into ay minus 1. समझिएगा यहाँ पे यदि फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें फोर्स और ग्रेविटी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन को समझने में स्टूडेंट को परेशानी आ सकती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फोर्स और ग्रेविटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. फोर्स ऊपर लग रहा है और ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर जो फोर्स का एक्चुअल इक्वेशन बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस 2mg into ay minus 1, ये बन जाएगा, ठीक है. तो अब क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे फोर्स का जो इक्वेशन बन गया दैट इज इक्वल टू वो कितना आ गया 2mg into 1 minus ay, ये आ गया. अब पॉइंट को समझिए, ये फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है ये ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे लग रहा है इस पे mg और एक्सेलेरेशन कहाँ के किधर होगा, ऊपर. इक्वेशन लिख देते हैं फोर्स माइनस mg एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ma, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं ये फोर्स का इक्वेशन, तो फोर्स का इक्वेशन क्या है 2mg माइनस 2mgay माइनस mg एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ma. दिस इज द इक्वेशन. 2mg में से mg चला गया, कितना बचा mg माइनस 2mgay एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ma. m को कैंसिल आउट कीजिए, एक्सेलेरेशन का इक्वेशन लिखिए, एक्सेलेरेशन का इक्वेशन जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा g माइनस, कितना आ जाएगा 2gay, 2gay ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन का वैल्यू. ac लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी a एक यूज्ड है इसलिए इसको ac लिख देते हैं एक्सेलेरेशन की जगह पे, ठीक है. ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन का इक्वेशन. एक्सेलेरेशन को हम लोग लिख सकते हैं db बाई dt एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जी कॉमन कर लेते हैं, जी कॉमन 1 माइनस 2ay, ये आ जाएगा दोनों तरफ. यहाँ पे वेरिएबल अब तीन है ना, dv, dt और y. मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था यदि तीन वेरिएबल हो तो इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आसानी से इंटीग्रेशन हो पाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं dy से, dy से मल्टीप्लाई कीजिए तो dv बाई dt इंटू डी वाई दैट विल बी इक्वल्स टू जी इंटू डी वाई करना है इसमें, तो डी वाई माइनस टू ए वाई डी वाई कुछ ऐसा आएगा, ठीक है. डी वाई बाई डी टी को वी लिख सकते हैं, तो वी डी वी दैट इज इक्वल्स टू जी इंटू डी वाई माइनस टू ए वाई डी वाई. यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक वो फिर से रेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है. तो रेस्ट से रेस्ट में जीरो से जीरो तक इंटीग्रेशन होना है और ये जीरो से वाई तक इंटीग्रेट करते हैं इसको. वाई इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जीरो से वाई तक इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है. तो वी डी बी का इंटीग्रेशन आएगा वी स्क्वायर बाई टू, जीरो पुट करेंगे वो कंप्लीटली जीरो आ जाएगा इस तरफ, ठीक है. तो इस तरफ कंप्लीट जीरो आ जाएगा,
इधर सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं y का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं y का मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर आता है। देखिएगा, समझिएगा, y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ से ये जीरो आ गया, v dv का इंटीग्रेशन पुट कर दिए, जीरो आ गया ये। ठीक है, तो जीरो इक्वल्स टू यहाँ पे g इंटू क्या आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y माइनस 2ay dy है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन y dy का y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ए वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, है ना। थोड़ा शॉर्ट में चले गए, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 होगा, y dy का इंटीग्रेशन, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा, ये जीरो के बराबर होगा, तो ग्रेविटी तो जीरो है नहीं, ये जीरो होगा, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू जीरो, देन y इक्वल टू 1 बाई ए, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट है, और यदि ये मैक्सिमम हाइट है तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट जो होगा, मान लेते हैं वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट h होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू y बाई 2 1 बाई 2a। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया कितने के बराबर, mg बाई 2a के बराबर। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फॉर अप टू दिस हाइट, देन दैट विल बी इक्वल्स टू, तो उसको भी कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑलरेडी फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और फोर्स इंटू डी वाई कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कैसे बनाया जाएगा। तो इक्वेशन, क्वेश्चन में ऑलरेडी वाई का इक्वेशन दिया हुआ है, फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, फोर्स का इक्वेशन कितने के बराबर है, देखिए फोर्स का इक्वेशन है 2mg इंटू 1 माइनस ए वाई, एक्चुअली ए वाई माइनस वन है, लेकिन ग्रेविटी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ऐसा कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क होगा dw वो क्या हो जाएगा, एफ डी वाई हो जाएगा, डी वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2mg, डी वाई से मल्टीप्लाई होगा डी वाई माइनस ए वाई डी वाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mg, और डी वाई का इंटीग्रेशन y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू 1 बाई 2a। y की जगह पे 1 बाई 2a पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, तो ये जो वर्क होगा, ये जो वर्क हो जाएगा, ये वर्क का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आ गया है 2mg, और यहाँ पे आ गया है 1 बाई 2a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 a स्क्वायर, और यहाँ पे a ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, a ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, माइनस ए वाई स्क्वायर बाई 2 था, तो ये a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं 2mg, इधर 2 से कॉमन कर लीजिए, ये आ गया 2, इसमें से कॉमन आ गया, और a भी कॉमन आ गया, बच क्या गया 1 माइनस 1 बाई 4, तो वर्क डन जो आ गया वो कितने के बराबर आ गया, 3mg बाई 4a, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से वर्क डन भी कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू।